सरकार के आदेश के बाद नाराज रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन, आदेश वापस ना हुए तो रास्ता लगाएगी मोर्चा। सरकार द्वारा एसएलसी के बिना दाखिले के आदेश के बाद रासा के अधीन आते रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के प्रिंसिपलों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के बिना दाखिला देना गलत है। अगर सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिए तो रासा को मजबूरन मोर्चा लगाना पड़ेगा। उनका कहना था कि ये देश पूरी तरह असंवैधानिक है। हाँ जी सर, अपना नाम तो जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बारे की कहना जी। मेरा नाम कमलजोत सिंह है जी, मैं रासा अमृतसर यूनिट का प्रधान हाँ। अज असी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उस वक् वक् मुद्दों के उत्ते डिस्कशन हुई है और जोड़ा इस वे सब तो वह मुद्दा है साढ़े हावी के स्कूल खुलने चाहिए से। सरकार ने स्कूल 30 अप्रैल तक फिलहाल बंद किए हैं करोना का ना लैके, जबकि सब कुछ सारिया एक्टिविटियां सरकार दल रही, इलैक्शन चल रहे हैं, होर सारे प्लेटफॉर्म के उत्ते रैलीज़ हो रही ने, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक स्कूल बंद ने। असी ये वास्ते पहले भी सरकार को मांग की सी भी विद द सिस्टम किसी तरीके दे नाल असी क्लास वाइज स्टैप वाइज टाइम टेबल बना के थोड़े थोड़िया क्लासा दो दो घंटे लगा के स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल सारा सैनिटाइज किया जा सकता है, बच्चे सैनिटाइजर यूज करके लियाए जा सकते हैं। माँ प्यो को बच्चों के माँ प्यो को असी ऑलरेडी पहले कंसेंट फॉर्म लाए से, फिर दोबारा लिते जा सकते हैं। पर स्कूल खोलना है बहुत जरूरी ने, क्योंकि स्कूल ना खुलन का हुण यह प्रभाव पै रहा कि बच्चे मोबाइल के उत्ते गेम ज़्यादा खेड रहे हैं तो पढ़ाई घट कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी जी किसी भी कीमत के ऑफलाइन का बदल नहीं हो सकती, क्योंकि जो असी पढ़ा सकते हैं मैं फेस टू फेस बच्चों वो घर बैठ के नहीं पढ़ाया जा सकता। इस करके असी इस वास्ते एक अपने तकनीकी सलाहकार सलाह करके एक ऐप तैयार की सी। मैं थोड़ी जानकारी दसन लगा भी उन्होंने 2 दिन हो जी उस ऐप में असी अपलोड किया वक्रे वक्रे स्कूलों के माँ प्यों साढ़े को अज 4000 वोटा हूँ तक कास्ट हुई हैं। ऐप का नाम की है? स्कूल ओपनिंग ऐप है वह नाम रखा सी, और अज तक हूँ तक 4000 वोटा कास्ट हुई ने, तो मेरे को रिकॉर्ड है, मैं तुम दिखा भी सकता 89% जोड़े है माँ प्यो चाहते हैं स्कूल खुलन। चलो स्कूल खुलन गए तो बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन सरकार ने जोड़ा एक होर काम कर दिता भी बगैर पेपर तो बच्चे पास कर दते, असं भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि किसी की क्षमता वेखे बगैर वो काबिलियत तो बगैर किसी पास कर देना तो इस तरह है भी अही खोता घोड़ा एक बराबर कर दिता। मैनू पता भी कुछ बच्चे यहोजे होणगे जिन्होंने सारा साल मेहनत की भावें ऑनलाइन घर बैठ के बैठे या उन्होंने एक्सट्रा क्लासा लाइया, उन्होंने उम्मीद लाई कि अभी 90% नंबर लेने हैं, अभी 80% लेने हैं, 85% लेने हैं, जो भी उन्होंने मेहनत मुताबक उन्होंने मिलना सी। तो अज वो सारे उस भाई हो गए भी किसी का ए ग्रेड आ जाना, किसी का बी ग्रेड आ जाना, कोई वैल्यू नहीं रहेगी पेपर की। वो नुकसान दोहरा नुकसान, एक नुकसान तो यह हो गया भी बच्चे की काबिलियत ना पता लगी, दूसरा नुकसान हो गया भी ए बी ग्रेड देने बच्चों के भविख का खतरा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारिया यहोजियां थावां ने जिते 10वीं के बेस के उत्ते उन्होंने दाखले मिलने हैं या नौकरियां मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दस देना, जिम्मे पुलिस की भर्ती है या पैरामिलिट्री फोर्सिज की भर्ती है, वो किमें होनी है? वो 10वीं के बेस से होंगी है और नंबर के बेस से होंगी है, वो मैरिट बनती है, जो ग्रेड बन जाने हैं मैरिट नहीं कोई होनी, तो बच्चे और पिछले साल होया भी असर हैं, पिछले सिर्फ पंजाब 10वीं के पेपर नहीं हुए, ए बी ग्रेड मिल गया। जिहड़ियां सेंटर गवर्नमेंट दियां जिवें रेलवे दियां नौकरियां निकलियां से, पंजाब के बच्चे अपीयर ही नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने को नंबर ही है नहीं सी। सो यह एक बहुत वड्डा नुकसान होना है 10वीं के पेपर ना होण दा। 10वीं के 12वीं के पेपर लैने बहुत जरूरी ने, जे 12वीं के पेपर इस करके तो ही जरूरी सरकार कहती हैगी उन्होंने टाल दिता है, क्योंकि वो बेस के JEE के पेपर होने हैं या नीट के पेपर होने हैं तो 10वीं के बेस से नहीं होने। 10वीं के बेस से तो कई यहोजी क्लासा ने जिन्हें और बच्चों ने स्ट्रीम्स लैनी है, किसी ने आर्ट्स जाना, किसी ने कमर्स जाना, किसी ने साइंस जाना, वो किस आधार से जाना सी? नंबर के आधार से। असी बच्चे की काबिलियत, मेरे को एक बच्चा पास हो गया 10वीं का किसी होर स्कूल तो, मैं वो नंबर देखता भी वो किन्ने नंबर ने, मैथ चो किन्ने आए, साइंस चो किन्ने आए, फिर मैं उन्होंने सुजैस करता, वो काउंसलिंग करता भी यार यू आर फिट फॉर साइंस या यू आर फिट फॉर कमर्स, तुम आर्ट्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। जो मेरे को ग्रेड ही आने हैं ए बी, मैं वो किमें जजमेंट करा कि मैं बच्चे कि क्लास बैठा। सो यहोजे कई मुद्दे ने, और एक होर वड्डा नुकसान यह होना कि सरकार ने जोड़े सर्टिफिकेट देने वो डिजी लॉकर से पा देने। अच्छा, डिजी लॉकर से पाने के देखो की नुकसान है, बहुत सारे बच्चों ने जो डिजी लॉकर का, मैं तुम थोड़ा सिस्टम समझा देना कि डिजी लॉकर के उत्ते जो तुम एंट्री करनी है अपना डाटा पाना है, अपना रोल नंबर पाना है, उन्होंने आधार कार्ड का नंबर मंगना, आधार कार्ड के नंबर जो देना है उन्होंने आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर के उत्ते OTP भेजना,
और तुसी यकीन मनो कि 50% लोगों को यह नहीं पता मैं आधार कार्ड के नंबर कहड़ा दिता है वह बेचारे परेशान हो गए फिर साडे स्कूलों जाते जी मैं सर्टिफिकेट ही नहीं मिलन दिया जी मैं की करा कितों लिया वहाँ फिर उन्होंने सारा प्रोसैस समझाया जाता है फिर वो जाके आधार कार्ड के स जोड़े सेंटर बनाए इन्होंने केंद्र उत्तर लाइना धक्के खाते हैं फिर उत्थे अपने आप को अपडेट करवा के आते हैं नवा मोबाइल नंबर दे के आते हैं फिर जाके कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट मिलता वो भी की A4 साइज से निकलिया हो पतला जहा कागज जो बोर्ड ने साढ़े को पैसे लाए ने जो 1200 रुपया दाखला लिया 10वीं क्लास का वो सर्टिफिकेट की कीमत शामिल है इन्ने सालों तो सूँ जो सर्टिफिकेट आंडे है तो अभी बिल्कुल इस गल का विरोध करते हैं भी डिजी लॉकर से पा दौ सिर्फ जो डिजी लॉकर से पाने नहीं है तुम उन्होंने सुविधा देना चाहते हो दो सू कोई दिक्कत नहीं लेकिन हार्ड कापी जरूर भेजो बच्चे लड़ है उस बेस के उत्ते एक A4 साइज के आम जे चिट्टे पेपर के उत्ते लैके सर्टिफिकेट जाता वो मान्यता नहीं देंगे पे ईवन पासपोर्ट ऑफिस जरा एक्सैप्ट नहीं करता पाया ये मैं भी समझदा टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई बुरी गल नहीं ये टैक्नोलॉजी इस करके बनाई गई थी कि जिन्होंने बच्चों ने बाहर जाना है उन्होंने वेरीफाई करवाना होता सर्टिफिकेट यह ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए बिल्कुल हो गए बहुत वधिया गल है लेकिन हार्ड कापी तो दो हार्ड कापी दोगे उन्हें पता नहीं वो कितने कितने दिखानी है बच्चे ने वह फ्यूचर वाइज डिपेंड करता सारा 10वीं का सर्टिफिकेट जरा एक बेसिक सर्टिफिकेट मनिया जाता है जे या 12वीं का सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट जिसे बेस तो उन्हें अगो एजुकेशन लेनी है उन्हें सारा साल संभाल के रखना है सारी जिंदगी उन्हें संभाल के रखना शायद तुहाडे कोल भी पिया होगा मेरा भी अजे तक अपना सामभ के रखा तो जे मैं A4 साइज के उत्ते रख के रख वो मैं की फायदा जी वेरीफाई करवाना नहीं पेगा बहुत वधिया गल है पर हार्ड कापी नाल बहुत जरूरी है सो ये सारिया गलों अ मुद्दे उठाए ने और मैं उम्मीद करदा भी सरकार साढ़े वाल पक्ष वेख के जरूर ये कोई ना कोई साढ़े वाल का फैसला लवे तो इन्होंने मंगा 100% मने हानी सर अपना नाम और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसके बारे में क्या बताना आपने नमस्कार जी मैं एडवोकेट मयंक कपूर लीगल एडवाइज़र रासा अमृतसर आज एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जो कि स्कूल्स के लिए सरकार की नीतियां हैं जो स्कूल्स को बहुत ख़राब कर रही हैं प्राइवेट स्कूल्स को ख़राब कर रही हैं और ख़ासकर जो बजटेड स्कूल्स हैं उनको ख़राब कर रही हैं तो उसमें आज हमने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आज की डेट में किसी भी बच्चे को स्कूल सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि बच्चे को किसी भी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट NOC नहीं चाहिए दैट मीन्स आज एक बच्चा 6 साल का है 7 साल का है 8 साल का है वो जिस मर्जी क्लास में जाके एडमिशन ले ले वो आ चाहे 5वीं में जाके एडमिशन ले ले तो हमने ये क्लासेस क्यों बनाई हुई हैं 1st, 2nd, 3rd, 12th तक क्यों बनाई हैं हम सीधा ही सीधा अगर हमने ऐसे ही एडमिट करना तो हमें बच्चे को हर साल पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है आज की डेट में बच्चा जिस मर्जी स्कूल से जहाँ मर्जी से एक सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ लेके जाए और जाके एडमिशन ले जिसका नुकसान ये हो रहे होएगा सबसे पहले कि एक तो बच्चों का सारा भविष्य ख़राब हो रहा है जो बहुत बड़ी बात है साथ में इस चीज़ का फ़ायदा नुकसान स्कूल्स को पर्सनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी होगा कि बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स बिना किसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के या NOC के यहाँ से मूव कर जाएंगे स्कूल से तो SLC का जो ये इन्होंने सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है सरकार को वापस लेना चाहिए एंड विद ड्यू NOC एंड विद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही अगर कोई पेरेंट स्कूल से शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो नो डाउट शिफ्ट कर सकते हैं बट ये सरकार को अपनी नोटिफिकेशन वापस लेनी चाहिए मेरा नाम हर्षदीप सिंह रंधावा अज असी ये रेकोगनाइज एंड अफिलिएटेड स्कूल एसोसीएशन रासा उहदे वल्लों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइज की आ साडा मेन मोटिव यह आ जो सरकार दियां प्राइवेट स्कूलों प्रति पॉलिसियां वा और ईवन ये पॉलिसियां स्कूल मारू पॉलिसियां ने सरकार दियां इन्हां नूं असीं चाहुंदे आ मीडिया दे थ्रू सरकार नूं अपील करनी भी और लोकां नूं जागरूक करना भी कि जिहड़े एक विद्या दे मंदर समझे जांदे से स्कूल उहनां दे नाल किवें दा ट्रीटमेंट किया जा रहा एक स्कूल आ जिन्हें पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो मानता ली आ CBSE तो किसी ने मानता ली आ किसी ने ICSE तो मानता ली आ सरकार के निजमान अनुसार कई स्कूल इवें जिन्हें सरकार को NOC ले जाने सब तो हार्ड शर्त NOC दियाँ होंदिया ने पर दुख की गल वा कि उन्होंने स्कूलों हुण हर साल RTE दे अधीन एफिलिएशन लैण लई सिक्ख्या विभाग वालों कहा जा रहा CBSE मानता मिल गई CBSE हर साल एफिलिएशन रीन्यू करने लिए नहीं कहता ICSE नहीं कहता ईवन पंजाब बोर्ड नहीं कहता लेकिन विद्या विभाग की कह रहा हर साल RTE की एफिलिएशन लैन स्कूल जिहड़ी कि बिल्कुल स्कूलों एक हरास करने वाली गल आ एक तर्कहीन गल आ लॉकडाउन लगा रहा पिछला सारा साल सारे आप जानते हैं इस बार हुण स्कूल फिर बंद पए आ पर आप फिर कह रहे हैं कि पिछले साल भी यही कहते रहे भी RTE एफिलिएशन लाओ इस बार भी एक RTE एफिलिएशन लैन का 50,000 के लागे छागे
बेवजह खर्चा, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पता नहीं किन्नियां किन्नियां फॉर्मैलिटीज़ ने जिहड़ियां कि एक एनर्जी वेस्ट भी आ, मनी वेस्टेज भी आ और हरासमेंट भी आ। इसलिए साडा सब तो पहला यह मुद्दा कि सिक्ख्या विभाग हर साल आर टी ई अफिलिएशन ना लवे। हाँ, जिहड़े स्कूल तो बिल्कुल ही जिन्हां कोल कोई अफिलिएशन नहीं आ, बिल्कुल ही प्राइवेट चल रहे होण के कुछ इवें दे स्कूल भी जिन्हां कोल पंजाब बोर्ड की मानता भी नहीं आ, सी बी एस ई भी नहीं आए, उन्हां कोल किसे हद तक मनी जा सकती गल भी उन्हां कोल आर टी ई अफिलिएशन लई जाए। बट जिहदे कोल किसे बोर्ड की अफिलिएशन आ, जिन्हें स्पैसीफिक पैरामीटर पूरे किए आ, एन ओ सी भी इतों तक लए ने सरकार दे कोलो, जिहदे विच सी एल यू वर्गियां शर्तां, बिल्डिंग प्लैन वर्गियां शर्तां ने, उन्हां नूं हुण कहना भी तुसीं आर टी ई लाओ हर साल, यह टोटली स्कूलों की हरासमेंट आ, टोटली इलॉजिकल आ। एक सब तो पहली मंग तो साडी इह आ सिक्ख्या विभाग दे कोलो कि यह हर साल अफिलिएशन जिहड़ी आ अफिलिएशन लैण लई स्कूलों नूं मजबूर करना बंद किया जाए, अननेसैसरी चिट्ठियां कढ़नियां इस मानता दे लई बंद कीतियां जाण। नंबर दो, स्कूल बंद कर दिते सरकार ने, ठीक है, असीं तो वैसे इस फैसले नाल भी सहमत नहीं हाँ बंद करने, क्योंकि सारिया एक्टिविटीज चल रही ने, बच्चे हर एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, धार्मिक समागम ने भावें सोशल समागम ने, हर थां बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ एक स्कूल ही आ जिथे बच्चा नहीं जा रहा अज। पर जो फिर भी जो सरकार ने बंद किए आ तो कम से कम इन्हां स्कूलों दी मुश्किलों वल ध्यान तो देना चाहिए। साड़ियां बसां खड़ियां ने स्कूलों में, पर टैक्स साढ़े को लए जाने ने, अप्रैल महीने का भी लिया जाना, मार्च का भी लिया गया, अगे मई का भी लिया गया, हूँ पहले क्वार्टर जिहड़ा अप्रैल मई जून का क्वार्टर आना वा, वो टैक्स मंगे जा रहे स्कूलों को, बसा बंद खड़िया वे, टैक्स सरकार मंग रही है, बिजली लोड के आधार पर स्कूलों में बिजली के बिल आ रहे हैं। जे आप सरकार ने स्कूल बंद किए हैं, कम से कम स्कूलों भी कोई राहत देनी चाहिए, आर्थिक पैकेज कोई देना चाहिए, ये टैक्स माफ करने चाहिए, जिन्ना समा स्कूल बंद रहे, बस टैक्स, हाउस टैक्स वा, रोड टैक्स वा, ये बनते ही नहीं स्कूलों को लेने, लेकिन सरकार मंग रही है। साडा परपज की है मीडिया थ्रू, असी अज तो एक हफ्ता पहला भी साडी स्टेट लैवल की मीटिंग हुई सी अमृतसर, सरदार गुरजीत सिंह औजला एम पी साहब आप मीटिंग में आए थे, साडा पंजाब रासा दा वफद सरदार जसबीर सिंह जी टिंपा एम एल एस एम पी साहब उन्होंने भी मिले, सानू दोवां मैंबर पार्लीमेंट्स साहबान वालों विश्वास दवाया गया सीगा कि जल्दी ही सिक्ख्या मंत्री जी दे नाल तुहाडी मीटिंग करवाई जाएगी, लेकिन 8 दिन हो गए ने, अज तक कोई रिस्पोंस नहीं आ, कोई सानू मीटिंग दे लई इनफॉर्मेशन नहीं मिली। ईवन पिछले 4 साल दे विच रासा पंजाब दे नाल किसी भी सिक्ख्या मंत्री साहब जां सैकटरी साहब बोर्ड लैवल ते मीटिंग जरूर हुई, पर एजुकेशन डिपार्टमेंट लैवल ते जिन्नियां मुश्किलां ने साडियां मुश्किलां हल करनी ते बाद दी गल वा सुनिया ही नहीं गईयां। इसलिए मीडिया राही भी अज अं दोबारा फिर अपील करते हैं सिक्ख्या मंत्री जी गाड़ी हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इन्हां स्कूलों दीयां मुश्किलां जिहड़ियां सुनिया जाण, हमदर्दी नाल विचारियां जाण, ये स्कूल पंजाब दे लोकां जिहड़े एक मिडल इनकम ग्रुप दे जां लोअर इनकम ग्रुप दे लोअर मिडल इनकम ग्रुप दे, मतलब मेरे कहने का मतलब जिहड़े बहुत ज़्यादा महंगी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हां लोकां दे बच्चे ये अदारे पढ़ा रहे हैं। कृपा करके इन अदारियां दीयां मुश्किलां वल ध्यान दिता जाए, इन्हां नूं बंद होण तों रोकिया जाए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जदों ये अदारे बंद होण दी कगार ते खड़े ने। अज 70% स्कूल पंजाब दे बंद होण दी कगार ते खड़े ने, फिर वह दिन दूर नहीं जदों ये स्कूल बंद हो जाणगे ते इन्हां स्कूलों के उत्ते जो डिपेंडेंट सीगे वह सारे बेरोजगार हो जाणगे और बच्चों नूं जां तां फिर घरां 'च बैठना पएगा तो जां फिर जे उन्हां दी जदों पहुँच ही है नहीं तो महंगे महंगे स्कूलों में जा नहीं सकणगे। पंजाब की एजुकेशन जिहड़ी आ वो इन्नी पिछे चली जाऊगी कि जिहदा फिर जिम्मेवार असीं नहीं समझदे भी वह फिर कहण तो अं झकांगे भी नहीं, फिर सरकार की जिम्मेवारी होएगी। इस करके साडी हाथ जोड़ के बेनती है कि इन्हां स्कूलों की बांह फड़ी जाए, इन्हां दीयां मुश्किलां जिहड़ियां वा प्रवान कीतियां जाण।